बिस्मान लाखों करोड़ों सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल अल्लाह वसलम और आले मोहम्मद पर मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाजीन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुक में थोड़ा सा तनाव है कशीदगी है जो हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं कि ये बयान पाकिस्तान ने दिया है और ये अफगानिस्तान की जानब से कहा गया है लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान यह तो हमारा बहमी मामला है लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो नजरें लगा के बैठा हुआ है और वो है भारत भारत ने एक और कोशिश की है कि ये जो मौका पैदा हुआ है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इसका फायदा उठाया जाए अब इस बार वजीर खारजा सतह के ऊपर नहीं है नरेंद्र मोदी खुद इन्वॉल्व हुआ है और उसका जो सबसे बड़ा कार्ड है वो उसने फेंका है क्या तालिबान भी रजामंद हैं इंडिया के करीब जाने के और फिर क्या पचास हजार टन गंदुम ही सिर्फ तालिबान उसके ऊपर ही राजी होकर इंडिया के करीब चले जाएंगे और क्या यह मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान को आउट करने के लिए है या फिर दूसरी तरफ चीन ने भी एक ऐसा काम किया पच्चीस तारीख को जिसके जवाब में इंडिया ने अपनी तरफ से छह ममालिक का बड़ा इजलास बुलाया है और दिल्ली डिक्लेरेशन के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को लेके ये मौका और ये कोशिश की गई है कि अब अब तालिबान को अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं और पाकिस्तान को जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचाना है दूसरी जानब जो यूरोपीय ममालिक हैं जो मगरब है उन्होंने भी एक कोशिश की है कि वो तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ाएं और जाहिर बात है दबाव बढ़ाने का फायदा कहीं ना कहीं इंडिया को होगा और उनकी जानब से भी एक मुश्तरका एलामी आया है उस मुश्तरका एलामी के बाद अब तालिबान को थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई है कि उनके साथ हो क्या रहा है उनकी जो स्ट्रेटेजी थी ना कि मगरब की तरफ जाने वाली वो काम इस तरह से नहीं करेगी और पाकिस्तान के साथ आप बिगाड़ के मामला को नहीं चल सकते ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्त और बर्व खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आईंद आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे मैं सबसे पहले पाकिस्तान तालिबान कशीदगी फिर इंडिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड और फिर इस सारे मामले को सम आपके सामने करूंगा पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला थोड़ा सा इस वक्त तलखीब में बदला हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टीटी -टी है अगर लोगों का ख्याल ये है कि हम बाढ़ के ऊपर लड़ रहे हैं तो बाढ़ के ऊपर इस वक्त हमारी लड़ाई नहीं हो रही बाढ़ का मामला भी रुक गया है पाकिस्तान भी खामोश है अफगानिस्तान भी खामोश है डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए एक दूसरे को समझा दिया गया है कि ये सिक्योरिटी का मामला है और ये कोई मकसद आपका इलाका कब्जा करना नहीं है ना आपको कोई नीचा दिखाना है तो उसके ऊपर खामोशी है लेकिन टी को लेकर पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने उनको कन्वे किया फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कौमी असेंबली की कमेटी को बताया वो बड़ा अलार्मिंग था जिसमें उनका हम कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है और इनके आने के बाद भी इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है लेकिन इस सारी सूरत हाल से फायदा कौन उठाना चाहता है

एक तारीखी बरह रास्त राबा था उसकी वजह यह थी जब आखिरी बार हुकूमत आई थी तब भी इंडिया का और तालिबान का आपस में कोई राबता वो कहते हैं ना सलाम दौ तक भी इस किस्म का रबता नहीं था लेकिन इस बार लगा कि इंडिया थोड़ी सी स्ट्रैटी जो है वो तब्दील करना चाहता उसके बाद अभी हाल ही में तालिबान का वफ्त गया ईरान अब वो मामला तो ईरान का तालिबान का था लेकिन इस मौके के ऊपर इंडिया के और ईरान के तलुकत अच्छे हैं हम सब इस बात को जानते हैं तो उन्होंने क्या किया कि ईरानी वजीर खारजा ने जयशंकर इंडियन वजे खारजा को कॉल करके एतमाद पे लिया अब एतमाद में लेने का कोई तुक ही नहीं बनता इंडिया का तालिबान के साथ ना कोई कंसर्न है लेकिन इंडिया इस तरह से कोशिश करता है कि अपने जो उसके जिनके साथ अच्छे ताल्लुक हैं इस किस्म की चीजें करवा के अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश करता है लेकिन एक और इन्होंने जो कोशिश की अभी पिछले महीने दिसंबर के अंदर पाकिस्तान ने ओ आई समिट करवाई और यहां पर तमाम ममालिक जिसमें सऊदी अरब शामिल था जिसमें ईरान शामिल था टर्की शामिल था सारे ममालिक के जो वज्रा खारजा हैं जो अहम थे वो यहां पर मौजूद थे लेकिन इंडिया ने इस दौरान एक डेढ़ इंट की मस्जिद बनाने की पांच ममालिक और वह पांचों का हिस्सा थे ऐसा नहीं है कि उन्हें पे किया। उनके, उनके वजरा खारजा थे वह दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे यह सबसे बड़ी उनकी अटैम्प्ट थी जब यह बात भी नहीं बनी तो अब जनाबे एक और कोशिश की और इस बार इंडियन वजीर आजम खुद आए उसकी एक वजह तो पाकिस्तान है दूसरी वजह आपको यह बता देता हूं ने उन दिनों में यानी एक महीना पहले ये 19-20 तारीख को था तो उस वक्त आपने समिट की तो एक महीने के बाद क्या किया कि जब इन्होंने उसके करीब जाने की कोशिश की तो पाकिस्तान खुद भी है चाइना भी उनका दोस्त है तो 25 तारीख को शी जिनपिंग ने एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर अफगानिस्तान के हवाले का से लेकिन इंडिया को बर्दाश्त नहीं हुई तो उसके दो तीन दिन के फौरन बाद जो है इन्होंने पांच जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग की है इंडियन को ना शर्म भी नहीं आती शर्म इसलिए नहीं आती 26 जनवरी को इनका रिपब्लिक डे था और रिपब्लिक डे के ऊपर ये पांचों जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिसमें कजाकिस्तान शामिल है जिसमें कर्गिस्तान शामिल है जिसमें ताजिकिस्तान शामिल है जिसमें तुर्कमानिस्तान है जिसमें उज्बेकिस्तान है ये पांचों मुमालिक को रिपब्लिक डे के ऊपर इन्होंने बुलाया हुआ था लेकिन ये पांचों मुमालिक उसके अंदर शरीक नहीं हुए जहां पर हमें बताया जी कोरोना है अगर कोरोना था तो इतनी बड़ी गैदरिंग कैसे हो गई थाउजेंड ऑफ पीपल वहां पर जो इकट्ठे थे, थे वो कैसे हो गए तो उसको भी कवर करना था पाकिस्तान को भी जवाब देना था वो जो चीन ने शॉर्ट नोटिस के ऊपर किया तो ये तो लगा हमने एक महीना पहले इन्वेस्टमेंट की है और ये तो पाकिस्तान ने चीन के रास्ते इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी निकाल लिया है तो इसका मतलब तो ये हुआ हम तो डूब गए तो इन्होंने फौरी तौर पर वो बुलाया अब उसका जनाब जो है नब्बे मिनट तक नरेंद्र मोदी ने इन पांच ममालिक जो सरबराहान हैं उनके साथ बातचीत की है और उसके बाद एक एलामिया भी आया है जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये मीटिंग अफगानिस्तान के ऊपर थी लेकिन चाबहार प्रोजेक्ट के ऊपर बातें हो रही थी और चाबहार प्रोजेक्ट को एक्टिव करने के हवाले से वहां पे इंडियन की सरमायाकारी उन चीजों को जिससे आप अंदाजा करते हैं कि उनका मकसद क्या था इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ मैंने वखान कॉरिडोर के मुताबिक भी आपको बताया हुआ कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं तो इस चीज को लेके अब इस दौरान तुर्कमानिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने एक बड़ी शानदार बात की उन्होंने यह की कि यह जो तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया के मुतालिक उनका यह भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि यह भी तो अफगानिस्तान से गुजरेगा हैरान हैरानकन तौर पे इसके ऊपर इंडिया ने ना डिक्लेरेशन के अंदर बात की है ना ओवरऑल बात की है क्योंकि इससे अफगानिस्तान के लोगों को भी फायदा होगा जिससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा सारी बात इंडिया को भी होगा लेकिन उसका मकसद फायदा करना तो है नहीं उसका मकसद तो इन ममालिक को तोड़ना है या तालुकात का बिगाड़ पैदा करना है तो यह जनाब अली उनकी एक बड़ी कोशिश थी अब दूसरी जानब तालिबान जो है वो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले नॉर्वे यानी ओस्लो के अंदर गए थे जिसको ओस्लो टॉक्स या ओस्लो मीटिंग्स कहा गया वहां पे उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं जिसमें फ्रांस जर्मनी इन सब के साथ इंग्लैंड के साथ और यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी उनके जो एलसी हैं हैं उनके खसूसी नुमाइंदे हैं उनके साथ वहां पर बातचीत की अब मगरब जो है वो तालिबान के ऊपर कॉन्टीन्यूस दबाव बढ़ा रहा है दबाव बढ़ाने की वजह यह है कि उसके यहाँ पे एलाइज हैं जिसमें इंडिया है उनके उसके करीब जाना चाहिए और वो एलायज़ भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान उनके करीब आए तो अब उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें जहाँ पर हुई अन सकानी के ऊपर बहुत सारी बातें हमने सुनी आमिर खान मुतकी खुद से आमिर खान मुतकी ने तो खुद कहा कि इस मुलाकात का होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमें मगरबी ममालिक के साथ बातचीत करने का मौका मिला है या उन तक अपने ख्याल और हमारे जो नज़रियात हैं वो पहुँचाने का मौका मिला है या फिर उनके जो सवाल जवाब देने का मौका मिला क्योंकि एक तो ये सतह इन्होंने मुलाकातें की दूसरा ये जो मिसाल के तौर पर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो खातीन की तलीम के एक्टिविस्ट है उनके साथ भी इनकी मुलाकातें हुई थी जिसके बाद अब जो मीटिंग आई है तो मीटिंग का लुबे लुभाव जिसको आप कहते हैं ना वन लाइनर वो ये है डू मोर एक जमाने में अमेरिका ही पाकिस्तान से खा करता था तो पाकिस्तान ने तो नो मोर कह दिया है लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान को उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत तस्लीम की जाए तो बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो यकीनी बनाएं, आप जो मीडिया क्रैकडाउन है उसको बंद करें ये जो आप जबरी लापतियाँ लाप पत, लापता लोगों को करें गशुदगियाँ जिसको आप कहते हैं और ये जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं आप ये जो लोगों को और फिर ख़ास कर जो ख़वान की तालीम है उसके ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हैं मौसर के अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे लेकिन एक थोड़ा सा कैश लिक्विडिटी का थोड़ा सा उनको दिया कि मिसाल के तौर पे आपके बैंकों के पास अगर रकम नहीं होगी तो कारोबारी जिंदगी नहीं चल सकता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक जानब उनको ये सिग्नल दिया गया है कि हमें अंदाज़ा है आपकी मुश्किलें कर सकते हैं लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा गया हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे और वहाँ पर बुला के इस तरह इज़्ज़त एजाज दे के ये भी एक तरीकाकार था कि ये चीन रशिया पाकिस्तान से हटो हमारी तरफ आओ और दबाव भी बढ़ाया है ताकि ये इंडिया का और ये जो सारे एक खेल खेला जा रहा है इसका मुकम्मल हो सके लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान गेम पाकिस्तान के पास है और मैं आपको ये आज बता दूं कि पाकिस्तान आज बाजी पलट भी सकता है। कैसे आ, मैं आज आपको बताऊंगा मुझे उमरदराज गुंदर को फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया खुदाफिज